दोस्तों, आज वंदनाज किचन में बनने जा रही है मूली पराठा। इसके लिए मैंने ये तीन मूली थे मेरे पास, इन्हें हल्का हल्का छील लिया है और इन्हें कद्दूकस पे घिस लेते हैं। आज मैं नाश्ते में मूली पराठा बनाऊंगी। ये बहुत ही स्वादिष्ट और फायदेमंद होता है। तरह से सभी मूली को, तीनों मूली को मैं घिस लूंगी। तेल गरम हो गई है, मैं दे रही हूँ इसमें थोड़ी सी अजवाइन, एक कटी हुई हरी मिर्च, और ये भूते हुए मूली। थोड़ा समय थोड़ी सी हल्दी, अच्छी तरह भून लेंगे ताकि उसका पानी सूख जाए। मूली में थोड़ा हल्का पानी होता है। सुबह के नाश्ता में जल्दी बन भी जाता है। इस तरह से चलाते हुए निकाल लेंगे। अब इसी प्रकार सभी आटों की गोई बनाकर इस तरह से अपने अंदाज से भरिए, बहुत ज्यादा भी नहीं, बहुत कम भी नहीं। देखिए बिल्कुल भी नहीं फटी है। नाश्ते के लिए यह बहुत परफेक्ट है। किसी भी अचार चटनी के साथ आप बना कर खाइए, बहुत टेस्टी लगेगी, जल्दी बन जाएगी। आप चाहे तो मूली को रात में भी घिस कर भून कर टिफिन में रख दें फ्रिज में, सुबह निकाल कर फटाफट बना लें। इसी प्रकार दोस्तों आप सभी मूली पराठा को बना लीजिए। आप भी दोस्तों इस तरह से मूली पराठा बनाइए। किचन में बनने जा रही है इमली की खट्टी मीठी चटनी।
इसके लिए मेरे पास ये इमली था, इतना ही इमली को मैंने पानी में फुला कर उसे मसल कर बीज निकाल कर एक पल्प निकाल लिया है उसका। अब इससे मैं चटनी बनाऊंगी तोड़कर। अब थोड़ा गुड़ को मैंने इसमें फुला लिया है। अब दे रही हूँ कढ़ाई में थोड़ा सा तेल। इसमें डाल रहे हैं इमली का पानी। पाउडर साथ ही डाल देंगे हम इसमें ये गुड़। इसको साफ साफ चलाएंगे। इमली के खट्टी मीठी चटनी बहुत ही टेस्टी होती है। इसे आप किसी भी चीज के साथ, समोसा है, चाट है, दही बड़ा है, सभी के साथ खा सकते हैं। चटपटा लगता है। हमारे यहाँ पार्टी वगैरह त्योहारों में भी इसे बनाई जाती है। गुड़ अगर गंदा हो तो पहले उसे अच्छे से साफ करके छान लीजिए, नहीं तो फिर वो किन-किन लगेगा। इसमें आधा चम्मच गरम मसाला डाल देती हूँ। अब मैं इसमें थोड़ी सी चीनी डाल देती हूँ। गुड़ का एक अपना अलग टेस्ट होता है और ये चीनी डालने से ज्यादा अच्छा लगता है। इसमें खजूर, टमाटर ये सब भी डालकर बनाया जाता है। उसका अलग तेली और गुड़ दोनों इसी तरह चलाते चलाते पक जाएगा। इसे हम थोड़ा सा पतला ही कुटाएंगे क्योंकि ये बाद में जम जाता है, गाढ़ा हो जाता है ठंडा होने पर। इसे हम 10-15 दिन स्टोर भी कर सकते हैं। ठंडा होने पर एक शीशी में भर के रख लेंगे और 10 दिन तक इसे। अब मैं इसमें डाल रही हूँ सौंफ, मेथी, धनिया और लाल मिर्ची को थोड़ा सा तवा पर गरम करके मैंने इसे पाउडर बना के रखा हुआ है। मैं इसमें ऊपर से थोड़ा सा छिट लूँगी। इसमें सौंफ का टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है, हल्का मेथी का भी टेस्ट अच्छा लगता है। बस इसमें हो गया सभी चीज। तैयार हो गई है। अब ठंडा होने पर मैं इसे स्टोर करके दिखाती हूँ। ये अपने